वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की सिफारिश की है। इस पर स्पीकर ने कहा जल्दी कमेटी का गठन होगा। और आज किस तरीके से जब ये बिल पेश किया गया क्या कुछ माहौल बना, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। लोकसभा में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए वक्फ विधेयक 2024 पेश किया और साफ किया कि वक्फ के खिलाफ मुसलमानों में बेहद आक्रोश है। वहीं विपक्ष के भारी विरोध के बीच किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की, जिस पर स्पीकर ने कहा कि जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करते हैं तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें। वहीं इसके पहले कांग्रेस और सपा के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान के खिलाफ बताया है। एसपी नेता अखिलेश यादव ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। खैर, वक्फ के बहाने हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, इस पर तो सवाल है ही। फिलहाल देखना होगा कि जेपीसी वक्फ बिल पर क्या सिफारिश देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप भी इस बात को जरूर समझे होंगे कि आखिर ये विवाद शुरू कहां से हुआ। बार बार कहा जाता है कि वक्फ की संपत्ति पिछले कुछ वक्त में दुगुने से ज्यादा हो गई, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सरकार ये चाह रही है कि इस बिल में संशोधन के बाद ट्रांसपेरेंसी सबके सामने आ जाए। एक बार संपत्ति का भी जिक्र कर लेते हैं कि अभी तक क्या कुछ आंकड़े सामने आए, ग्राफिकली आपके सामने रखते हैं। देखिए, कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ 66,092, तब ये जमीन है। इसके अलावा कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ 62,880। पंजाब वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, 75,965। इस पर अगर क्लैरिटी आ जाए, करोड़ है, लाख है, क्या है, तो भी बेहतर हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, 217,161। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास कितनी है, 80,480। ये प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड कौन कौन से स्टेट्स के हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये 5 जगह के वक्फ बोर्ड हैं जिनकी संपत्तियां बहुत ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए वक्फ की अचल संपत्तियों की कहां कैसी स्थिति है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। 3,39,505 गैर अतिक्रमित, 5,371 मुकदमेबाजी आंतरिक, 7,831 मुकदमेबाजी। आप समझ गए होंगे, आंतरिक यानी इंटरनली जिस पर विवाद है और मुकदमेबाजी यानी बाहर से किस किस ने किन प्रॉपर्टीज पर मुकदमा दायर किया है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो 24,550 वो अन्य है, 58,896 अतिक्रमण, 4,36,169 इनके बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। और इसीलिए सरकार कह रही है कि जब हम संशोधन की बात कर रहे हैं तो ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए है। इसमें जो रूल्स, रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आगे हम आपको ये भी बताते हैं ग्राफिकली कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसे का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। आपको यह भी बताएं कि इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य,
आपदा यानी इमरजेंसी, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाना चाहिए। चार बड़े अंतर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, चार बड़े अंतर। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून क्या कुछ है वो भी ग्राफिकली आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो नया कानून जिसको आज पेश किया गया लोकसभा में उसमें क्या कुछ बदलाव है, तो ये हम ग्राफिकली आपको बता रहे हैं। देखिए चार बड़े बदलाव जो थे, अब क्योंकि तीसरे पे आ गए तो वही आपको सबसे पहले बता देता हूं। आप देखिए नए कानून में पुराने कानून में डिफरेंस क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा कानून जो हम बड़ा कानून आपको बता रहे हैं, पहला दूसरा भी बता दूं, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग, तो देखिए चार जो बड़े डिफरेंसेस हैं वो देखिए। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सेक्शन 40, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के आधार पर अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह पुराना कानून। नए बिल के अनुसार जमीन के फैसले का जो अधिकार है हाई कोर्ट में इसका निपटारा होगा, ट्रिब्यूनल में नहीं, हाई कोर्ट पे जाना है। दूसरा जो डिफरेंस है वो देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन को दाखिल किया जा सकेगा। अभी कानून आप जानते हैं कानून कब बनेगा, जब राज्यसभा से भी ये पारित हो जाए। अभी लोकसभा में इसको पेश किया गया है, इसको आगे कमेटी के पास रिकमेंड कर दिया है किरण रिजिजू ने। तीसरा बड़ा फर्क आप देखिए, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है, इसके लिए कोई कागजात की जरूरत नहीं। लेकिन अब जो नया कानून बन जाएगा उसमें जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में ना दी हो, उस पर भले ही मस्जिद हो, लंबे वक्त से नमाज हो रही हो, उस पर वक्फ की वो संपत्ति नहीं कहलाएगी, उस पर वक्फ का अधिकार नहीं होगा। चौथा बड़ा डिफरेंस क्या है वो देखिए, पुराने कानून क्या कहते, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोग की एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन अब नए कानून जो बन जाएंगे वो ये होगा कि वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं और अन्य धर्म के दो सदस्यों को एंट्री मिल सकती है। यानी गैर इस्लामिक सदस्य भी इसके हो सकते हैं, गैर मुस्लिम सदस्य भी इसके हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कानून है, जब ये पूरा एक्ट जो है इसमें जो 40 से अधिक संशोधन किए गए हैं